बता रहा था तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा। तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा का मतलब यह हुआ कि राम तीन हुए हैं, एक पहले हुए हैं परशुराम, बाद में हुए हैं बलराम। ये धनुष तोड़ने की ऐतिहासिक घटना पहले के परशुराम ने नहीं की है, बाद के बलराम ने नहीं की है, इसलिए लिखा तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा। और दूसरा एक संत ने इसका अर्थ किया कि तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, तो कहते हैं जीव की तीन अवस्थाएं होती हैं, शैशव अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। श्री राम जी ने यह धनुष शैशव अवस्था में नहीं तोड़ा, बाद की वृद्धावस्था में नहीं तोड़ा, इसलिए बीच की अवस्था में तोड़ा, इसलिए बाबा जी ने लिखा राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक चौथी संत ने अलग अर्थ किया, चौथे संत ने कहा दिन में तीन पहर होते हैं, ये प्रेता काल धनुष नहीं टूटा, रात्रि काल में धनुष को नहीं टूटा, मध्य काल जो था उसमें राम जी ने धनुष को तोड़ा है। राम जी ने हर एक काम मध्य काल में किया। अवतरित हुए 12 बजे, धनुष तोड़ा 12 बजे, विवाह किया 12 बजे, राजगद्दी पर बैठे 12 बजे, दिव्य धाम गमन किया 12 बजे। राम जी ने प्रत्येक लीला 12 बजे की है, इसलिए ये तेई क्षण मध्य तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक पांचवें संत ने इसका अलग अर्थ किया, पांचवें संत ने कहा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, राम जी ने सोमवार को धनुष नहीं तोड़ा, मंगलवार को धनुष नहीं तोड़ा, बुधवार को धनुष नहीं तोड़ा, शुक्रवार शनिवार रविवार को धनुष नहीं तोड़ा, जो मध्य का दिवस था बृहस्पतिवार उसमें धनुष को तोड़ा, इसलिए बाबा जी ने लिखा तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लोक तीन हैं, नीचे है पाताल लोक, ऊपर है स्वर्ग लोक। धनुष तोड़ने की ऐतिहासिक घटना श्री राम जी ने ऊपर के स्वर्ग लोक में नहीं की, नीचे के मृत्यु लोक में नहीं की, मध्य के मृत्यु लोक में की, इसलिए बाबा जी ने लिखा तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अगर कोई वस्तु टूटती ना हो, लकड़ी टूटती ना हो, तो लोग सिर पर रख करके तोड़ते हैं, सिर का सहारा ले लेते हैं, कोई कोई घुटने का सहारा लेकर के भी लकड़ी को तोड़ते हैं, तो राम जी ने कैसे तोड़ा? तो राम जी ने सिर का सहारा नहीं लिया, राम जी ने घुटने का सहारा नहीं लिया, त्रिपुरारी का धनुष है। श्री राम जी ने बीच से प्रत्यंचा को खींचा है, इसलिए बाबा जी ने लिखा तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और फिर यहाँ तो बात हिलाने की थी, हिला भी देते कोई, तोड़ देते कहीं से, इस किनारे से तोड़ देते या उस किनारे से तोड़ देते, तो राम जी ने इधर से तोड़ा कि उधर से तोड़ा? कहा राम जी ने ना इधर से तोड़ा ना उधर से तोड़ा, 20 वक्षस्त्र से खींचा है और धनुष को मध्य से तोड़ा है, बीच से, क्योंकि वहां पिनाक था, वहां महर्षि दधीचि की अस्थि थी और उष्मण के प्राण थे, इसलिए वहां से धनुष को तोड़ करके भगवान ने उन ऋषि की आत्मा को अपने आप में आत्मसात किया है, इसलिए बाबा जी ने लिखा तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। चलिए अर्थ तो बहुत है, समय नहीं है, आज ही निकलना है हमको, धनुष टूटा।
तोरा। मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी को सतानंद जी ने सतानंद तव आयस दीना, सीता गवन राम पहचीना। श्री किशोरी जी माल लेकर के आई है और जानकी जी के पास जब जानकी जी आई है माला लेकर के, तो कर सरोज जय माल सुहाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराए न जाए। प्रेम के वशीभूत होने के कारण वो माला, सीता जी अवस्था में 5 वर्ष छोटी है, राम जी बड़े हैं, माला नहीं पहना पाए। तो उन्होंने सरस्वती जी सखी बन के आई थी, उनसे कहा आप मदद करो। सरस्वती जी ने राम जी से कहा कि सरकार, बोले हाँ क्या बात है, बोले थोड़े झुक जाओ, बोले क्यों हमारी किशोरी जी माला नहीं पहना पा रही। अब राम जी ने कहा ये उनका प्रॉब्लम है, क्या ये उनका नहीं प्रॉब्लम है, आपका भी प्रॉब्लम है। तो राम जी ने कहा कि राम जी तो जान गए सरस्वती जी हैं। तो राम जी ने कहा कि आप मुझे पहचाने नहीं कि मैं कौन। कहा सरकार हम तो आपको पहचान गए। तो कहा आप अगर जान गई तो मालूम है ब्रह्म भी कहीं झुकता है। कहा ब्रह्म कहीं नहीं झुकता, लेकिन आप जानते हो हमारी सियाजू क्या है। बोले क्या, बोले ये साक्षात भक्ति है और भक्ति के सामने तो ब्रह्म को झुकना ही पड़ता है, इसलिए सरकार झुक जा। अब राम जी ने सोचा झुक जाए, जो ही मन बनाया, लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब, बोले हाँ क्या बात, कहा झुकना मत। बोले क्यों, कहा कि अगर आप झुक गए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, सूर्य वंश निमिवंश के सामने झुक गया, कहा अंतर रह गया, अब तो हमारे ही वंश की होने वाली। बोले अभी हुई नहीं है, वो भावरे पड़ती है ना, तो उसमें कितने बात कहते हैं अभी तो बेटी बाप की, और फिर बाद में कितने बाद में कहते हैं अब हो गई। तो उसी प्रकार से कहा अभी तो उनकी भावरे भी नहीं पड़ी, गोत्र बदला नहीं, अभी तो ये निमिवंश की ही बेटी कहलाएगी। बोले आज नहीं तो कल तो हो ही जाएंगी। कहा भाई साहब हम नहीं जानते, अगर आपको बहुत ही शौक है झुकने का तो झुक जाओ, लेकिन एक बात सोच लो अच्छी तरह से। बोले क्या, कि अगर आप आज के दिन झुक गए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, जो दूल्हा पहले दिन दुल्हन के चरणों में झुक रहा है ये जिंदगी भर क्या करेगा। राम जी ने कहा हाँ ये बात है। अब राम जी अकड़ करके खड़े हो गए, सोचा ये क्या हो गया। अब राम जी जानकी जी ने क्या किया कि जब बेटी आपत में फंसती है तो माँ को याद करती है, सो पृथ्वी माता को मनाया, कहा माँ आप मदद करो। बोले क्या करूं, कहा आप ऊपर उठ जाओ। कहा बेटी तुम कितनी भोली हो, अगर मैं ऊपर उठूंगी तो तुम तो उठोगी, ये भी तो उठेगी ना। कहा ये बात तो है। शेषनांश का आप मदद करो, कहा समस्या वही है, मैं सफन उठाऊंगा, पृथ्वी उठेगी, तुम उठोगी, ये भी उठेगी। सरस्वती जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है, का माताओं का संगीत तो क्या गजब का होता है, पूछो माताओं जैसा संगीत ये कभी गा ही नहीं सकते, कभी नहीं गा सकते। माताएं तो जब रोती हैं उसमें भी संगीत होता है, बोलो अगर गाने लग जाए तो पूछना क्या, सुना कभी, रोने में भी कितना अच्छा स्वर रहता है, हम जानते नहीं, थोड़ा सा बता देते, बता दे। हाय मेरे प्राण पखेरू, उसमें भी स्वर और संगीत होता है, उसमें भी स्वर संगीत होता है, ताल मात्रा होती। ये तो गाएंगे क्या, रोना भी नहीं आता इनको। और हे भगवान, माताओं की आंखों में आंसू कहां से आते हैं। पीएचडी हो गई पर जान नहीं पाए, नगर पालिका की नल की टोटी की तरह जब चाहे तब बंद करें और जब चाहे तब खोलें, ऐसा आप लोग कर सकते हो। एक भजन है ना, एक लाइन बता दे कौन सी भजन में रोते 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 हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। इतनी बात तो है और कुछ है ही नहीं उसमें, बस इतनी बात तक आपको बतानी थी।
कि जीवन है इसमें सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। इसलिए माताओं के पास में कला है, कब जब चाहें तब रो दें और जब चाहें तब हंस लें। हमारे गांव में वो पुराने जमाने में शादियां होती थी तो 15 दिन पहले रिश्तेदार आ जाते थे, अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ऐसी जगह धर्मशाला में शादी करेंगे, कहेंगे यहीं आओ, यहीं से चले जाओ, घर नहीं दिखाएंगे। नहीं तो पहले वे ऐसे आते थे नाते रिश्तेदार के, जितने खुरमा और पकौड़ी जब तक खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक वहीं रहेंगे, और चलते समय फिर मीठी पकौड़ी, फिर मीठी पूड़ी और फिर भर के। गांव की बात है, जब छोड़ने के लिए जाते थे बस से तो एक नीम के पेड़ के नीचे बस खड़ी होती थी, सो माता जी छोड़ने के लिए गए, हम भी गए, छोटे बच्चे थे, हंसते हंसते गए। और बस जब आ गई, बस जब आती ना तो हॉर्न बजाते हुए आती कि हमारे, बस जब आ गई खड़ी है तभी चीख से गई, हमें बहुत याद आएगी। और मैं देखू सचमुच में रोए ही कि ऐसी नाटक देखू तो हे राम, पूरा आंचल गीला, गंगा और जमुना की पवित्र धारा गंगोत्री जमुनोत्री वहीं बन गई। और जहां से बस गई सो क्या भगवान ने सब अच्छी कर दी, इंद्र भगवान की बड़ी कृपा रही, पानी आनी नहीं बरसो, सब अच्छे अच्छे सब निपट गए, बड़ो अच्छो रहो। सही बात है कि नहीं? ये है, इसलिए माताओं को सरस्वती जी ने कहा कि अब हम गाते हैं, और हम जब गाएंगे तो माताएं जब गाती हैं तो ढोलक तो बजती है, ढोलक में चम्मच भी बजती है, इधर ना बजती होगी, पंजाब तरफ बजती है हमारी। अब उन्होंने गाना शुरू किया, तन के झुके जियो ललन रघुवीर, हरी मोरी मारी है, तन के झुके जियो ललन रघुवीर, हरी मोरी मारी है, तन के झुके जियो ललन रघुवीर, नई मोरी बारी सी, बारी सी सुख मारी 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 सी, झुके जइयो ललन रघुवीर, नली मोरी बारी सी, नटके झुके जइयो ललन रघुवीर, नली मोरी बारी सी।
महाराज अद्भुत दिव्यतम उन्होंने गीत गाया। प्रभु जी थोड़े झूमने लगे और जब राम जी झूमने लगे सरस्वती जी ने कहा कि जादू चल रहा है और जो ही ज्यादा झूमे उसी समय माला डाल ही देना, देर मत करना। राम जी ने झूमना शुरू किया, सखियों ने इशारा किया झूमे त्यों ही माला डाल देना। लक्ष्मण जी मामला समझ गए। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब, बोले हाँ क्या बात है, कहा झूमना बंद करो। क्या बात करती हूँ, संगीत साहित्य कला विहीना जिसके जीवन में संगीत और साहित्य का ज्ञान नहीं वो आधा आदमी माना जाता है। मेरी ससुराल में मुझे आधा आदमी घोषित करना चाहते बिना पढ़ा लिखा। बोला नहीं भाई साहब आप झूमो पर झूमने का तरीका बदल दो। बोले फिर, कहा जो आप ऐसे ऐसे झूम रहे ना ऐसे मत झूमो, ऐसे ऐसे झूमो तनके झुक, तो मतलब आप ऐसे ऐसे झूमो। अब राम जी ऐसे ऐसे झूमने लगे तो सरस्वती जी ने कहा ये है कौन जो मामला इनका बना और बिगाड़ रहा है। तब तक चारों तरफ नजर घुमाई, सोचा इनका डायरेक्टर कौन है जिनको दिशा निर्देशन दे रहा है। अभी तो ये झूम रहे थे सही दिशा में, ये बदल कैसे गए। तो देखा गुरुदेव के पास में जो छोटे सरकार हैं वो नीचे मुख करके हंसने लगे। सरस्वती जी पहचान गई शेषनांग तो ये बैठे हैं। सीता जी से कहा कि जब तक भक्त को नहीं मनाओगी तो भगवान मानने वाले नहीं। और महाराज लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के पादार बिंदों में जो ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए चले और सखियों ने भी एक जुगत लगा दी। ऐसी बात बोल दी, कहा कि सिय जयमाल राम उर मेली। राम जी ने कहा कब मिली, कहां मिली, अभी कहां डाली, और झुक के देखने लगे डाल दी क्या। सिय जयमाल राम उर मेली, और उसी समय राम जी त्यू ही झुके और त्यू ही माला डाल ली। पहिरा बहु जय माल नंदनी श्री किशोरी जी ने जयमाल प्रभु के पावन मुखारविंद में डाली। श्री राम जी ने भी उनको माला डाल दी। जानकी जी प्रभु के पादारविंदों का स्पर्श करने के लिए नीचे को झुकी, लेकिन झुकते झुकते हाथों को खींच लिया जैसे कोई बिजली के डर से हाथ को खींच ले। तो छू रही थी, पर छकी ने कहा क्यों नहीं छूती हो, कहा तुम्हें मालूम है ये जनकपुर आ रहे थे तो इनके पाँव एक पत्थर से छू गए थे, वो आकाश को उड़ गई थी, कहीं मैंने भी छुआ। हम तो इनके पास में रहना चाहते हैं, हम दूर नहीं जाना चाहते इनसे। इसलिए गौतम तियगति सुरति करे नहीं पर सते पद पान और मन बैसे रघु वंश मनी प्रीति अलोक। अलौकिक प्रीति, तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य यही है कि हमारी जो आत्मा है यही सीता है, इस सीता का विवाह राम जी के साथ में कर दे। हमने कहा था राम विवाह करेंगे, बोले अभी कहाँ हुआ, अभी तो विवाह हुआ कहाँ, अरे हम कहने हो गया विवाह, बोले कोई प्रमाण का वशिष्ठ विश्वामित्र जी महाराज ने राजा जनक से कहा, बोलो विवाह हो गया कि नहीं। बोले टूटत ही धनु भया विवाह, टूटत ही धनु भया विवाह, सुन नर नारी सब कहो, सुन नर नारी मेद सब कहो। धनुष को टूटते ही विवाह हो गया। इस कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हमारे अंतःकरण में जो अभिमान का धनुष रखा हुआ है, इस धनुष को जिस वक्त हम तोड़ देंगे, हमारे अंतःकरण में बैठी हुई हमारी जो आत्मा रूपी सीता है निश्चित रूप से ये परमात्मा को प्राप्त कर लेगी, राम को वरण कर लेगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।